मॉर्निंग पीपल, सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं हूँ आज माले में, जो कि मालदीव की कैपिटल सिटी भी है। जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो मालदीव का फेरी स्टेशन है। एयरपोर्ट से आप बाय फेरी भी आ सकते हो, बाय रोड भी आ सकते हो। यह है माले का आर्टिफिशियल बीच। यह आर्टिफिशियल बीच इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे जो लोकल है या फिर बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। आपको मैं आर्टिफिशियल बीच का एक टॉप व्यू दिखाता हूँ। ठंडी हवा चल रही है। और आर्टिफिशियल बीच के साथ यहाँ पे पार्क भी है। पार्क बहुत ही अच्छा है, बहुत शांति है, बहुत ही सुकून है। जो पार्क है जो एक जल पार्क के बाहर आते ही आपको बैंक ऑफ मालदीव्स दिखेगा, जो कि मालदीव्स का सेंट्रलाइज्ड बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया जो मालदीव का ब्रांच है वो भी यहाँ पे है। पार्क से घूमते घूमते हम माले के बस स्टॉप के पास पहुँच चुके हैं, और आप देख रहे हो कि माले का स्टॉप बहुत ही छोटा है। जो बस है वो हुलु माले जा रही है। हुलु माले भी एक आइलैंड है। बस स्टॉप से आगे आते ही फेरी बोट और जेटी बोट्स खड़े हुए मिलते हैं। ये सब जेटीज हैं, ये सब प्राइवेट जेटीज हैं, और कहीं भी आपको प्राइवेट आइलैंड में जाना हो तो ये जो जेटीज हैं आप बुक कर सकते हैं। माले की कुल आबादी 2,20,000 तक होगी, और यहाँ का और जो माले सिटी है 3.5 किलोमीटर फैला हुआ है। बस बहुत ही छोटा आइलैंड है, और माले में धीरे भी
दी वे ही जो ये लैंग्वेज बोली जाती है। सब जेटीज है, आपको आइलैंड टू आइलैंड जाने के लिए जेटीज बुक करना पड़ता है। मोस्टली यहाँ पे बस से ज़्यादा फेरी बोट का यूज होता है। नंबर है गेस्ट हाउस के नंबर है, रिजॉर्ट या होटल में बहुत ही महंगा रूम मिलता है। आपका कम बजट है तो गेस्ट हाउस पे रुक सकते हो, उसमें एसी फ्री वाईफाई मिल सकता है। मैं कुछ नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको चाहे तो आप कुछ डिटेल निकाल सकते हैं। ये सब फेरी बोट ही है। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पार्लियामेंट ऑफिस है। यहाँ पे सी एम्बुलेंस भी है, अच्छी फैसिलिटी है। सी एम्बुलेंस इसलिए कि मोस्टली यहाँ पे लोग फेरी का यूज ही करते हैं। समुद्र में कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, सी एम्बुलेंस है। और ये यहाँ का मालदीव पुलिस सर्विस, यहाँ से आप अलग अलग आइलैंड के लिए जा सकते हो। इसके लिए आप पहले बुकिंग करना पड़ता है प्राइवेट जेटी के लिए। Thank you.
माले में आप जब भी आओगे ऐसे छोटे छोटे पार्क आपको दिखाई देंगे। और ये यहाँ का नेशनल म्यूजियम, जो रेड स्टार बिल्डिंग दिख रहा है कंपनी ने वहां पे हमें रहने के लिए रूम दिया हुआ है। जो रोड है मोस्टली सीमेंट के ब्रिक्स से बना हुआ है और जो सीमेंट के ब्रिक्स है वो बाहर के देश से आते हैं। पे दो सिम चलते हैं, एक ओरिडो और एक धीरागो जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ से आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। माले में आपको हर जगह पे मनी एक्सचेंज शॉप दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे मनी एक्सचेंज के शॉप्स हैं तो आपको मनी एक्सचेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवर शॉप ये है मालदीव का इस्लामिक सेंटर, देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है। सामने जो सिंबल दिख रहा है उसका भी एक हिस्ट्री है। 1988 में श्रीलंका ने मालदीव्स के ऊपर हमला किया था, उस टाइम पे मालदीव सोल्जर ने अपने जान गंवा दी थी, उनके याद में सिंबल बना गया हुआ है। इस्लामिक सेंटर के सामने एक पार्क है, उस पार्क का नाम सुल्तान पार्क है। पार्क जो है बहुत ही अच्छा है। आपने देखा यहाँ पे मास्क बहुत स्ट्रिक्ट है, अच्छी बात है। शाम को यहाँ पे वाटर शो होता है। वो
बहुत ही सुकून फील हो रहा है, बहुत ही पीस, बहुत ही ग्रीनरी है। फिर पंछियों की आवाज़ सुन सकते हैं आप। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। पार्क के अंदर हैंडवॉश भी रखा हुआ है, सही है। घास पे चलना मना है, फूल तोड़ना मना है। यहाँ पे पार्क के कुछ टाइम टेबल दिया हुआ है। पार्क से चलते चलते हम प्रेसिडेंट के घर पे घर के पास पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ का प्रेसिडेंट का घर। बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ये प्रेसिडेंट का घर है। ये दीवी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो प्रेसिडेंट का घर है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आप ये वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। और ये है मालदीव्स का बहुत ही पुराना मॉस्क। और ये है मीनार। कुछ लिखा है यहाँ पे हुकुरु मिस्की, आई डोंट नो क्या कहा जाता है। यहाँ पे वाइट सैंड है। और मॉस्क के बाजू में ही कब्रिस्तान है। पीपल्स मजलिस मतलब ये पार्लियामेंट है। ये माले का पार्लियामेंट हाउस है।
इसको पीपल मालदीव कहा जाता है।